Hi, don't compare. Never think you are better than others or worse. Focus on your goals, do your thing and succeed. Theodore Roosevelt ne kaha tha, comparison is the thief of joy. Today is 12th of August 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions ke answers hain. Tamil Nadu mein hai ye Nilgiri mountain range. अमरावती सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कृष्णा. इंडिया एंड यूएई के बीच में होता है जायद तलवार 2021 एक्सरसाइज. ब्यास, रावी और सतलज ये तीन रिवर्स हैं जिनका वाटर इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर इंडिया को अनरिस्ट्रिक्टेड यूजेज के लिए अलोकेट किया गया है. प्राइम मिनिस्टर दक्ष योजना है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. लंदन यूनाइटेड किंगडम में है मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल हैं इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड. हु हैज बीन गिवन अ 3-year एक्सटेंशन एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. व्हेन इज वर्ल्ड लायन डे ऑब्जर्व्ड. What is the theme of World Biofuel Day 2021? Which day will be observed as Javelin Throw? क्योंकि हम honor करना चाहते हैं नीरज चोपड़ा's first historic Olympic gold. Who is the author of the book titled The Year That Was Not, The Diary of a 14-year-old? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है turmoil. Turmoil कहाँ चल रहा है? अफगानिस्तान में. Disturbance, tumult. Disorder, mess, chaos, agitation. Vigilant, vigilant का मतलब आप attentive हो. जैसे अभी 15 अगस्त आ रहा है, we should be vigilant, attentive, watchful, observant, guarded, circumspect. Belligerent मतलब वो hostile है, warlike, aggressive situation है, military, combative हो रहा है. Liberty का मतलब होता है freedom, license मिला है, choices है, autonomy है. स्टेटक्राफ्ट, स्टेटक्राफ्ट का मतलब होता है स्किलफुल मैनेजमेंट स्टेट अफेयर्स के, राजकीय कार्य के, स्टेट अफेयर्स. सो दीज आर सम वोकैबुलरी वर्ड्स. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. आज के टॉपिक्स हैं, आज हम देखेंगे बैक चैनल टॉक वॉज ऑन बिफोर बालाकोट एयर स्ट्राइक. ये एक बुक है स्पाई स्टोरीज विल हैव अ टॉक. देन दिस इज हिमाचल में लैंड स्लिप हुआ, कॉजेज क्या होते हैं लैंड स्लाइड के और इस पर एक सवाल भी तैयार करेंगे. दिस इज काजीरंगा, गवर्नमेंट स्कूल्स भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करें. कुछ ही दिन पहले इसमें हमने सवाल तैयार किया था वर्ल्ड क्लास एजुकेशन. दिस इज इंडिपेंडेंस डे और दिल्ली पुलिस की ये गाइडलाइंस हैं. सेफ एट स्कूल बिल्डिंग कंसेंट. This is a healthy white paper. ये white paper का मतलब क्या होता है और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये white paper क्यों लाया, हम देखेंगे. स्टेट में क्या ट्रिपल वैमी हो रही है. देन इंक्लूसिव ग्रोथ की भी बात करेंगे. द इम्पॉर्टेंस ऑफ द बूस्टर डोज टू प्लान अहेड थर्ड डोजेज ऑफ दिस वैक्सीनेशन. अर्बन जॉब्स सेफ्टी नेट. ओडिशा का हॉकी सक्सेस हाइएस्ट ऑनर फॉर अ हॉकी आइकन. बिहाइंड द मेडल्स. मेडल्स और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में एक डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे ड्रॉ किया है. लोकसभा एडजर्न हुई, पार्लियामेंट ने बिल्स पास किए, ब्रांड इंडिया, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन तालिबान. देन दिस इज पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन. मेसी ने नया क्लब ज्वाइन कर लिया है और ये है बावली, हजरत निजामुद्दीन दरगाह की दिस बावली. देन दिस इज प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट, ये फेल हो गया जीएसएलवी F10. और गुजरात का प्राइड, इंडिया का प्राइड, विश्व शेर दिवस, लायन डे हम जानेंगे. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लायंस भी देखेंगे. देन दिस इज सी सेट सॉल्यूशंस इन सर्टेन क्वेश्चंस. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 मिनट. अवर रेफरेंस मटेरियल इज दिस द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, बोथ आर दिल्ली एडिशन. सी ये जो फर्स्ट हेडलाइन है द हिंदू का, दिस इज अबाउट दिस बुक जिस बुक का नाम है स्पाई स्टोरीज. इसके ऑथर हैं एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट क्लार्क. इन दोनों ने मिलकर ये किताब को लिखा है और इस बुक में लिखा है कि जो स्पाई, स्पाई मतलब क्या होता है जासूस, कोई भी गवर्नमेंट होती है ना वैसे स्पाई इंटरनेशनल लेवल पे भी स्पाई ऑपरेशंस कंडक्ट होते हैं. जैसे इंडिया की बॉडी है एक रॉ, रिसर्च एनालिसिस विंग, पाकिस्तान की एक बॉडी है ISI.
तो ये दोनों बॉडीज भी इंटरनेशनल लेवल पे खुद के अपने कंट्री के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए डिफरेंट ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं। तो ये जो स्पाई स्टोरीज है ना, इसमें ऐसे कुछ ऑपरेशंस के बारे में लाइट थ्रो किया है, कुछ रिविलेशन किए हैं। जैसे वो प्लेन हाईजैक हुआ था, वो एक डिप्लोमेटिक फेलियर था। जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ बिकॉज वी वॉन्टेड टू पनिश द पाकिस्तान मिलिट्री। देन कुलभूषण जाधव के बारे में भी बताया है कि ही वॉज नॉट एन ऑफिसर बट एन एसेट, या पाकिस्तान की रॉन्ग डूइंग है ये, ट्रैप किया गया। और जो अटैक हुआ था एयरफोर्स के पठानकोट एयरबेस में, तो वहाँ पे करप्ट पुलिस ऑफिशियल्स, मतलब जो इंडिया के ऑफिशियल्स थे करप्ट, उन्होंने आउट ऑफ वे जाके इधर हेल्प किया, जिसके कारण ये पठानकोट दिस एयर बेस पे अटैक हो पाया था। तो दिस टेल्स की मोल्स भी होते हैं। अब सी, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी एक्टिविटीज होती है, जैसे अभी गलवान क्राइसिस हुआ या बालाकोट हुआ, तो हर चीज़ के ना तीन वर्जन होते हैं। पहला वर्जन क्या होता है, फर्स्ट वर्जन वो होता है जो ऑन द स्पॉट जो ऑफिसर है, ऑन द स्पॉट जो पर्सनल है, जिसने वो काम किया उसको एक्चुअल ट्रुथ पता होता है कि क्या हुआ एक्चुअली में। सेकंड जो वर्जन होता है, ये जो ट्रुथ होता है ना, ये रेयरली बाहर आता है। सेकंड जो ट्रुथ होता है वो होता है गवर्नमेंट का ऑफिशियल लाइन। हमारे कॉन्टेक्स्ट में, एग्जाम्स के कॉन्टेक्स्ट में, फॉर्मल लैंग्वेज में, हम इस गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइन को फॉलो करते हैं बिकॉज दीज आर ऑफिशियल स्टेटमेंट, रिकॉर्ड बुक्स में ये जाता है। थर्ड जो वर्जन होता है वो होता है पब्लिक परसेप्शन, जो अक्सर न्यूज़ में रूमर मॉन्गरिंग वगैरह चलता है, हम इसको भी फॉलो नहीं करते हैं, और ये फर्स्ट वर्जन हमें पता नहीं है। सो दिस इज़ अवर इंटरेस्ट, हम ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइन है उसको हम फॉलो करते हैं। तो दिस इज़ बुक स्पाई स्टोरीज़। अब जो ऐसी बुक्स रिलीज होती है ना, अक्सर क्या होता है, जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, वो अक्सर ऐसे किताब लिखते हैं और वो अपने मेमोयर भी लिखते हैं उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे बराक ओबामा की अभी एक बुक आई थी, बराक ओबामा के मेमोयर्स हैं, बुक का नाम बताइए। उसमें बराक ओबामा ने अपनी प्रेसिडेंटशिप की डिफरेंट फेजेस को, स्टोरीज को उस बुक में लिखा है। कई बार क्या होता है कि ये जो बुक लिखते हैं ना, इसमें एक्स्ट्रापोलेशन भी होता है, थोड़ा चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है। रीज़न ये होता है उससे बुक को पब्लिसिटी ज़्यादा मिलेगी और बुक का सेल ज़्यादा होगा। तो दिस ऑल्सो हैपन्स। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमें ये याद रखना है, जो ऑफिशियल लाइन है, जो रिकॉर्ड बुक ने कहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है, ये ऑफिशियल लाइन हम अपने एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज बैक चैनल टॉक वॉज ऑन बिफोर बालाकोट। अब बैक चैनल क्या होता है, डिप्लोमेसी में भी हमने पढ़ा है, ट्रैक वन ट्रैक टू डिप्लोमेसी। तो ऑफिशियल लाइन्स की डिप्लोमेसी तो हो रही है, बट एक बैक चैनल भी होगी। बैक चैनल मतलब जैसे यहाँ के कोई इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इनके थ्रू भी हम डॉक्स दिस आइस ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, टॉक्स होती है। तो दिस इज बैक चैनल डिप्लोमेसी। तो बैक चैनल टॉक्स एंड दिस इज रिविलेशन। अब ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है, दिस इज़ अ पेनफुल न्यूज़, और ज्योग्राफी में हमारे कॉन्टेक्स्ट में है कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड, बिकॉज डिजास्टर मैनेजमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब से 2020 आया है तो हमारे दिन सही नहीं चल रहे हैं, वैसे ही बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स हो रहे हैं। कभी लैंडस्लाइड होता है, कभी साइक्लोन आता है, कभी टिड्डों का अटैक होता है, कभी समथिंग एल्स वायरस अटैक हो रहा है। तो इन सब केसेस में जो डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक है ना, इस टॉपिक से सवाल आना ही आना है, डिजास्टर मैनेजमेंट। और इसमें भी जो जम्मू एंड कश्मीर और ये जितने भी हिमालयन स्टेट है, They are very, very fragile. They are prone. यहाँ पे hazard ज़्यादा है, risk ज़्यादा है, तो यहाँ ज़्यादा efforts डालने पड़ेंगे this hazard mitigation के। अब सी, उत्तराखंड में, हिमाचल में, अभी हमने floods की बात की थी, अब आ गया landslide। कुछ ही time पहले यहाँ पे cloud burst भी हुआ था, cloud burst। landslide क्यों होता है, तो सी, landslide इसलिए होता है because जो हिमाचल है, हिमालयाज है, हिमालयाज एक यंग फोल्ड माउंटेन है, ये यंग है, मतलब अभी भी वेल सेटल्ड नहीं हुए हैं, और दे आर स्टिल राइजिंग। क्यों राइजिंग, बिकॉज इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ पे हिट कर रही है यूरोपियन प्लेट को, और इन दोनों के टकराव से जमीन ऐसे ऊपर उठ रही है और बन रहा है हिमालय। ये हिमालय इज स्टिल राइजिंग, और स्टिल राइजिंग मतलब दे आर नॉट वेल सेटल्ड, ये जो इनकी प्रोफाइल है ना, ये वेल सेटल्ड नहीं है। तो थोड़ा सा बारिश होता है, मिट्टी में बारिश होती है, मिट्टी में क्या आता है, मॉइस्चर आता है, मॉइस्चर आएगा, वाटर आएगा, तो वाटर क्या करेगा, फ्रिक्शन को कम कर देगा, जो इनकी बाइंडिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देगा। अब यहाँ बिकॉज हाइट है, हाइट में लगती है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी ऑलवेज पुल्स टूवर्ड्स अर्थ, डाउनवर्ड पुल करती है।
ग्रेविटी इधर पुल कर रही है, बाइंडिंग कैपेसिटी वीकन हो गई है बिकॉज ऑफ दिस वाटर रेनफॉल, और दूसरा रीजन डिफॉरेस्टेशन, इलीगल कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा. तो बिकॉज ऑफ दिस लूजनिंग बाइंडिंग कैपेसिटी लैंड जो होती है वो ऐसे स्लाइड हो जाती है और इसी को बोलते हैं लैंड स्लिप. ऐसे करके जमीन टूट के नीचे ऐसे गिर जाती है. बारिश एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रीजन है, फैक्टर है. तो दिस इज कॉल्ड लैंड स्लिप. इसके लिए क्लास 11th की ज्योग्राफी का जो लास्ट चैप्टर है इंडिया फिजिकल, गो थ्रू दैट चैप्टर, उसमें बड़े सिस्टमेटिकली ऑल टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स मेंशन किए हैं. तो लैंडस्लाइड्स कैन बी इनिशिएटेड इन स्लोप्स ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ मूवमेंट बाय रेनफॉल. स्नो मेल्ट हो सकता है, वाटर लेवल चेंज हो रहा है, स्ट्रीम का इरोजन हो रहा है. इरोजन मतलब मिट्टी का उखड़ के चला जाना. डिपोजिशन मतलब वो जो मिट्टी इरोड हुई थी वो कहीं जाके डिपॉजिट हो रही है. तो अप में क्या होता है, इरोजन होता है. चेंजेस इन ग्राउंड वाटर है, अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक है, ह्यूमन एक्टिविटी है, एंथ्रोपोजेनिक एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर, इनके कारण होता है लैंड स्लाइड. और जो ये ऐसा लैंड स्लाइड हुआ, कहाँ पर हुआ, हिमाचल प्रदेश में. अब जैसे ही ये आता है तो यहाँ पे एक्टिवेट होता है डिजास्टर मैनेजमेंट. NDRF पर्सनल यहाँ पे डिजास्टर रेस्क्यू वर्क करते हैं. 2013 में सिलेबस चेंज हुआ था और उस साल भी GS3 में 2013 में ये सवाल पूछा था. आई रॉट दिस आंसर. हाउ इम्पॉर्टेंट इज वल्नरेबिलिटी. वल्नरेबिलिटी मतलब आप रिस्क में हो, वल्नरेबल हो. रिस्क असेसमेंट क्यों करना जरूरी है फॉर प्री डिजास्टर मैनेजमेंट. हाउ इम्पॉर्टेंट इज वल्नरेबिलिटी इन रिस्क असेसमेंट ऑफ फॉर प्री डिजास्टर मैनेजमेंट. मतलब डिजास्टर हुआ नहीं है, आपने उसके पहले ही एक मैपिंग कर लिया, जोनेशन कर लिया, होमवर्क कर लिया, प्रिपरेशन कर लिया. इससे क्या होगा, जब डिजास्टर होगा तो आपका रेस्पॉन्स बेटर होगा, डिजास्टर को आप मिटिगेट कर पाओगे. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. गुड ऑफिसर वो होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है. बेस्ट ऑफिसर वो होता है जो प्रॉब्लम होने ही नहीं देता, वो पहले से ही तैयार होता है, एंटिसिपेट करके रखता है बिकॉज उसने होमवर्क किया है, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट. एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वॉट आर की एरियाज दैट यू वुड फोकस ऑन अ डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम. तो इस प्रश्न में दो सवाल है और यहाँ पूछा गया है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या करोगे. तो जब भी ये सवाल आते हैं ऑप्शन में है तो ये सवाल जरूर करना है बिकॉज इसमें आपको अपना टैलेंट दिखाने का बड़ा चांस है. एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या करोगे और वल्नरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट क्यों जरूरी है प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में. तो ये पहला सवाल है, डू दिस क्वेश्चन. काजीरंगा गार्ड्स गेट सैटेलाइट फोन. अभी जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, ये भी फेवरेट है, हर साल इससे कुछ ना कुछ पूछते हैं काजीरंगा से रिलेटेड. काजीरंगा फेवरेट भी इसलिए है बिकॉज यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसोरस है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. तो इस पार्क का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है. अब जैसे हम राइनोस विजन भी देखते हैं, राइनो भी हमने कई बार पढ़ा है इस टॉपिक पे, फ्लडिंग होती है, राइनो डिफिकल्टी में आ जाते हैं, राइनोज का ट्रांसलोकेशन भी हो रहा है डिफरेंट पार्क्स में. द पॉइंट इज जब भी फ्लड्स आते हैं तो डिसकनेक्ट हो जाता है या कनेक्टिविटी इशू हो जाते हैं, मोबाइल फोन्स नहीं चल रहे हैं, टावर्स नहीं चल रहे, वैसे भी जंगल में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं. तो कनेक्टिविटी के लिए इनको सैटेलाइट फोन्स दें. जो पोचर्स होते हैं ना, दे आर वेरी लाइक वेल इक्विप्ड होते हैं, उनके पास सैटेलाइट फोन है, उनके पास बढ़िया हैवी मशीन गन्स वगैरह लेके आते हैं. और यहाँ जो फॉरेस्ट गार्ड है वो लाठी से इनसे लड़ रहे हैं, तो वो कैसे लड़ पाएंगे. सो द पॉइंट इज वी नीड टू इक्विप अवर फॉरेस्ट गार्ड वेल. इनको प्रॉपर गैजेट्स दें, गन्स दें और अथॉरिटी दें सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट दीज वाइल्ड एनिमल्स. ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है. तो ये पहला ऐसा नेशनल पार्क बना है जहाँ पे सैटेलाइट फोन मिलेगा इन गार्ड्स को. जो भी चीज़ पहली होती है ना, वो अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाती है. तो दिस इज फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया वेयर गार्ड्स विल बी प्रोवाइडेड दीज सैटेलाइट फोन्स. ये काजीरंगा नेशनल पार्क है. काजीरंगा कुछ टाइम पहले और भी न्यूज़ में था, यहाँ पे बोट्स और बाइसिकल्स भी ओपन हो रहे थे जंगल सफारी के लिए. मतलब नाव में जा सकते हो जंगल सफारी में, कुछ स्ट्रेचेस में आप बाइसिकलिंग भी कर सकते हो. एलिफेंट है, जीप है, बोट है, बाइसिकल ट्रैक है. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज अगेन पैरामाउंट होना चाहिए. ओके, कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए. ओके, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. दिस इज अगेन वन न्यूज. इंडिया इंक शुड इंक्रीज इट्स एपेटाइट फॉर रिस्क, रिस्क टेकिंग बिहेवियर. स्पाइडरमैन को भी रिस्क तो थोड़ा लेना ही पड़ता है. सो दिस इज एपेटाइट फॉर रिस्क. प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली एनकरेज कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को कि वो इन्वेस्टमेंट करें, प्राइवेट सेक्टर एक्टिवली इकोनॉमिक रीबाउंड में, रीग्रोथ में पार्टिसिपेट करें. दिस इज ट्राइंग टू बूस्ट देयर मोरल.
तो ये तो था फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. ओके, देन इसमें ये असॉल्ट केस हुआ था, ये दिल्ली के उस टाइम पे चीफ सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी, और जो ये पॉलिटिशियंस वगैरह है इनके साथ मिसबिहेव वगैरह हुआ था, दिस इज अबाउट दैट. सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू. अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कूल्स टू गेट वर्ल्ड क्लास एजुकेशन. सी, कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा कि हम सरकारी स्कूलों पे, सरकारी कॉलेजेस में हम एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्यों नहीं बढ़ा पा रहे, बच्चे पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल्स को क्यों प्रेफर कर रहे हैं. प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कोचिंग्स, प्राइवेट, ये सब एक तरह बताता है कि फेलियर ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी है, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट प्लान्स है, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट स्कूलिंग है. पेरेंट्स टीचर्स को फेथ नहीं है गवर्नमेंट स्कूलिंग पे. सो वी वॉन्ट दिस गवर्नमेंट स्कूल्स टू गेट वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, बिकॉज जो गवर्नमेंट स्कूल्स है ना ये फेल नहीं होने चाहिए, बिकॉज दिस इज फॉर मास पब्लिक. यहाँ अफोर्डेबिलिटी है, यहाँ एक्सेसिबिलिटी है, यहाँ इक्विटी है, ये कैपिटलिज्म नहीं है. प्रॉफिट इज नॉट देयर, एजुकेशन इज देयर क्राइटेरिया. सो दिस एजुकेशन शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. तो यहाँ बात है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी करें. ये दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की पहल है. अब जैसे ये आया ना केस स्टडी में, आप इसको कहीं यूज़ कर सकते हो कि दिल्ली में इस तरीके से यूज़ हो रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स के एजुकेशन की क्वालिटी को बेटर करने के लिए. तो कोलैबोरेशन है. कोलैबोरेशन क्या होगा? इंटरनेशनल पेडागॉगी, टीचर्स, लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोग्राम्स, इससे कनेक्टिविटी होगा, एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस होगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा एजुकेटर्स का भी जो पढ़ा रहे हैं, वर्कशॉप, प्रोफेशनल गोल्स एंड डेवलपमेंट. बिकॉज यू नो जो पढ़ा रहा है ना, एजुकेशन जो दे रहा है, मतलब जो कि टीचर है, टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. टीचर को ऐसा नहीं कि सरकार दूसरी एक्टिविटीज़ में लगा दे, कभी सेंसस में लगा दिया, कभी सर्वे में लगा दिया, कभी दूसरे कामों में लगा दिया. ये नहीं कि टीचर को आपने सेल्समैन बना दिया है, बस वो प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोडक्ट सेल करने में ही लगा हुआ है. तो दिस इज़ रॉन्ग. इससे जो टीचर का मैंडेट है टीचिंग, वो कॉम्प्रोमाइज होता है. बट टीचिंग इज वन प्रोफेशन वेयर यू आर डीलिंग इन द करेंसी ऑफ लाइफ एंड फ्यूचर. यू आर गोइंग टू शेप द फ्यूचर ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स. सो टीचिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन. और इसका जो रिलेशन है टीचर का और स्टूडेंट का, विच इज कॉल्ड अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, इसको मेंटेन करना जरूरी है. एक सेंस ऑफ दिस, सेंस ऑफ ये होना चाहिए कि जिम्मेदारी है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर के पास टू डू वेल, टू मेक अ गुड करियर एंड फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स. तो ये होना चाहिए. तो इस बात पे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ऐसा यहाँ पे होगा, विच इज अगेन गुड थिंग. गवर्नमेंट स्कूल्स, देन दिस इज ईयर मार्क मोर स्पेस फॉर चिल्ड्रन, क्रैश फैसिलिटी, डायपर चेंजिंग स्टेशन. ये भी जरूरी है कि जो चिल्ड्रन है प्लस जो वर्किंग वुमेन है, न्यू बॉर्न चाइल्ड है, तो वहाँ पर भी फैसिलिटीज देना जरूरी है. तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए. ये पेज में एक और है इंडिपेंडेंस डे. अभी जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी रेड फोर्ट पे और यहाँ प्रोहिबिटेड आइटम्स में. कई बार सवाल आते हैं केस स्टडी में, केस स्टडी में आपको कुछ सजेशंस देने होते हैं कि आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, आप क्या क्या चीज़ें अलाउ करोगे या फिर सेफ्टी के प्रोविजंस कैसे करोगे. तो ये जो सरकारी गाइडलाइंस है ना, इनको आप याद रखो. जैसे प्रोहिबिटेड आइटम्स कर दिए आपने, ई टेबल, ब्रीफ केस वगैरह, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक, बायनोक्यूलर, कैमरा, थर्मोज, इन्फ्लेमेबल आइटम कभी भी पब्लिक गैदरिंग में नहीं लाने देना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी अलाउ नहीं करना है. तो ये एक लिस्ट हो गई जो प्रोहिबिटेड है ना, प्रोहिबिटेड आइटम. अब ये इवेंट है इंडिपेंडेंस डे, बट आप इसको किसी भी पब्लिक गैदरिंग में यूज़ कर सकते हो. ये सारी चीज़ें क्या होंगी? प्रोहिबिट होंगी. ये पर्टिकुलर्स हैं जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, लाइटर, अल्कोहल, परफ्यूम स्प्रे, बिकॉज ये भी ज्वलनशील होते हैं, डैगर वगैरह ये सब नहीं लाने देंगे, अम्ब्रेला एंड दिस नहीं होगा, नाइव्स नहीं होगा, अम्यूनिशन नहीं होगा, मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं होंगे. तो दीज आर द पर्टिकुलर्स विच विल नॉट बी अलाउड इन पब्लिक गैदरिंग, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अवर पीपल. सो ये चीज़ें हैं. ये बिहेवियर भी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी फॉलो करवाना है. दूसरी बात है अनमैंड एरियल व्हीकल. जैसे UAV का अभी अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, तो इस टाइप के UAV, हॉट एयर बलून, एयरक्राफ्ट, ये सब भी प्रोहिबिट होंगे. तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको ये सारी लाइंस याद रखनी है जो आप अलाउ नहीं करोगे किसी इंपॉर्टेंट पब्लिक गैदरिंग में. अब आता है एडिटोरियल, सेफ एट स्कूल. स्कूल्स ओपन हो रहे हैं. अब ये जो आर्टिकल है ना, इसमें ना एक ओपिनियन बनाना बहुत डिफिकल्ट है. हम स्कूल्स को ओपन करना चाहते हैं,
वाई? बिकॉज इससे स्कूल ओपन नहीं हो रहे हैं तो लर्निंग आउटकम कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं. तो एवरीबडी अग्री कि हमें स्कूल ओपन करना है. बट द पॉइंट इज कोविड का थ्रेट अभी भी बना है, वैक्सीनेशन कवरेज हुआ नहीं है. स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू रिटर्न टू कैंपस विदाउट फियर इफ प्रोटोकॉल्स आर स्ट्रिक्ट. तो यहाँ इफ लगा हुआ है कि प्रोटोकॉल्स होने चाहिए बिकॉज स्कूल्स बहुत टाइम से बंद हैं. फिजिकल मेंटल हेल्थ कई स्टूडेंट्स का इससे इम्पैक्ट हो रहा है. स्कूल जाते हैं तो बहुत सारा हम सप्लीमेंट्री चीज़ें भी सीखते हैं, स्किल डेवलपमेंट होता है, वो लैक हो रहा है. आउटडोर क्लासेस क्यों ना करें, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, वैक्सीनेशन सारे टीचर्स का लगे. दीज आर सम सॉल्यूशंस, हम ऐसा कर सकते हैं. बट अगेन लेट अस सी, केसेस बढ़ेंगे तो फिर से स्कूल बंद करना पड़ेगा. बिल्डिंग कंसेंट इस आर्टिकल में भी ये लिखा है कि अभी जैसे पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2021 आया, इस पे कंसेंसस बनना ज़रूरी है. जैसे कल हमने देखा था ना, ओबीसी डीमार्केट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेट्स को कुछ अथॉरिटी होना चाहिए, ये नहीं कि सब सेंट्रलाइज हो गया. सिमिलरली जो पोस्ट ग्रेजुएट के जो सीट्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसमें भी स्टेट जो होता है ना उसको से देना ज़रूरी है, स्टेट को से देना ज़रूरी है. ये यहाँ पे बात किया है. जो हेल्थ केयर है वो वैसे भी स्टेट सब्जेक्ट होता है. बिल्डिंग कंसेंट, तो ग्रेजुएट से जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फर्दर कोर्स करते हैं, तो उसके लिए अभी एक नेशनल मेडिकल दिस नेशनल एग्जिट टेस्ट आ रहा है. इस पे मेरिट लिस्ट बनेगी और इस मेरिट लिस्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सीट्स हैं वहाँ पे अलोकेशन होगा. पोस्ट ग्रेजुएट ब्रॉड स्पेशलिटी कोर्सेज डिप्लोमा MD MS मेडिकल में, इसके लिए ऑल इंडिया कोटा भी है एक 1986 से जो चला आ रहा है. अभी इसमें OBC रिजर्वेशन भी आ गया है. तो द पॉइंट इज स्टेट का डिस्क्रिशन ज़्यादा होना चाहिए, हेल्थ बिकॉज स्टेट सब्जेक्ट होता है, और जो भी डिसीजन हो वहाँ पे कंसेंसस होना ज़रूरी है. कि ये नहीं कि सेंटर अलग चैप्टर पे है, पेज पे है, और स्टेट अलग पेज पे है. हेल्थ केयर क्वालिटी होना भी ज़रूरी है. सो दिस इज अबाउट बिल्डिंग कंसेंट अबाउट दिस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रूल्स 2021. अब ये जो आर्टिकल है इधर लिखा है वाइट पेपर बिगिनिंग. एक्चुअली तमिलनाडु यूजुअली काफ़ी वेल ऑफ स्टेट है तमिलनाडु, बिकॉज ज्योग्राफी बड़ी अच्छी है, प्लेन्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और सी ओपनिंग भी है, ट्रेडिशनल कल्चरल भी इसको काफ़ी किक स्टार्ट मिला है, अर्ली स्टार्ट मिला है ब्रिटिशर्स के टाइम से ही, और इवन इससे पहले भी. जो तमिलनाडु है ना, ये हमेशा से एक प्रॉस्परस स्टेट रहा है. तो तमिलनाडु में अभी पिछले कुछ टाइम से फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ रही थी, तो वो लेके आए ये वाइट पेपर कि जो स्टेट है, स्टेट्स हैं, नॉट ओनली तमिलनाडु, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, दे आर हैविंग दिस फाइनेंशियल डिफिकल्टी. कोविड हुआ तो ट्रिपल वैमी हो गई है. पहला तो लॉकडाउन के कारण इनके रेवेन्यू डिप हो गए, कलेक्शन हो नहीं रहा है टैक्स. दूसरा, खर्चे बढ़ गए, हेल्थ केयर में ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है. तीसरा, GST शेयरिंग में भी फोर्स मेजर लगा दिया और सेंटर से जो GST शेयरिंग मिलनी थी वो नहीं मिल रही, तो ट्रिपल वैमी हो गई स्टेट्स में. ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे और दे आर फेसिंग डिफ़िकल्टी. तो यहाँ बात है वाइट पेपर लाने का. अब वाइट पेपर क्या होता है? वाइट पेपर मतलब एक रिपोर्ट है, एक गाइड है, जो इन्फॉर्म करता है रीडर्स को किसी कॉम्प्लेक्स इशू में, प्रेजेंट द इशूइंग बॉडीज फिलोसफी ऑन द मैटर. इट मेंट टू हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड एन इशू, सॉल्व अ प्रॉब्लम, मेक अ डिसीजन. जैसे इफ़ यू रिमेंबर, रेलवेज में एक बार बड़ी डिफिकल्टी हो रही थी, तो ओपोजिशन ने बोला रेलवेज का यहाँ वाइट पेपर आना चाहिए. तो वाइट पेपर मतलब कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का डिटेल्ड एनालिसिस होगा, सॉल्यूशन होगा, सारी चीज़ें, उस पर क्या फिलॉसफी है, आप उस मैटर को कैसे देख रहे हो, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करके जो रिपोर्ट आती है उसको बोलते हैं वाइट पेपर. सो दिस इज़ अ रिपोर्ट. तमिलनाडु वाइट पेपर लाया है कि स्टेट की जो हेल्थ है, इकोनॉमिक हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है, उसमें क्या डिफिकल्टी है. अब ये जो वाइट पेपर लाना होता है ना, ये अच्छी बात है बिकॉज इससे आपको हकीकत पता चलती है. दिस इज एन एरुडाइट एंड ऑनेस्ट थिंग है बिकॉज यू नाउ नो द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द इंटेंसिटी, व्हाट इज द रीच ऑफ दैट प्रॉब्लम, कॉजेस क्या है, सॉल्यूशन क्या है. अब आप उसको सॉल्यूशन पे वर्क करो. स्टेट के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, रेवेन्यू को इम्प्रूव करो. जैसे टैक्स कलेक्शन भी जो होता है, रेवेन्यू आ रहा है, उसका एक्सपेंडिचर हो वो जुडिशियस हो, मतलब वेस्टेज नहीं हो. हम कई बार बोलते हैं ना, हम लाखों रुपए टैक्स दे रहे हैं, बट ये जो टैक्स का मनी है ये आप
अनटूवर्ड या अननेसेसरी चीज़ों में खर्च करोगे तो ये तो हमारा पैसा खर्च हो रहा है, फालतू का पैसा खर्च कर रहे हैं ये। तो जो एक्सपेंडिचर है वो जुडिशियस करे, एक्स्ट्रावेगेंट नहीं हो, वेस्टेज नहीं हो। कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पैसों का हिसाब से खर्चा करे, फोकस करे लोकल बॉडीज में। सब्सिडी जो एक कल्चर है उसको इम्प्रूव करे, बिकॉज सब्सिडी भी कई बार उन लोगों को मिलती है जिन लोगों को सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, सब्सिडी का मिसयूज ज़्यादा होता है। जीएसटी के जो भी बॉटलनेक्स है उसको दूर करें और फोकस करें इंक्लूसिव ग्रोथ को। सी, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? सभी लोगों का भला हो रहा है, सोसाइटी के सारे सेक्शन ऑफ पीपल आर गेटिंग बेनिफिट, सबकी ग्रोथ हो रही है, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। ये नहीं कि रिच गेटिंग रिचर, पुअर गेटिंग पुअरर, नो। वैसे भी ऑक्सफॉर्म की जो रिपोर्ट है वो बताती है कोविड-19 के बैकड्रॉप में इनइक्वालिटी इज ऑन राइज। एक गिनी कोएफिशिएंट होता है, वो क्या होता है आप बताओ? तो दिस इज इंक्लूसिव ग्रोथ। तमिलनाडु जो है ये टॉर्च बियरर रहा है इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंट्री में, तो तमिलनाडु की रेपुटेशन बहुत अच्छी है इन सब मामलों में। यूनिक मॉडल है, जनरस स्टेट वेलफेयर होता है, कॉपियस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होता है और एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज भी होती है। बट अच्छी रेपुटेशन होने के बाद भी पिछले कुछ टाइम से तमिलनाडु इज ऑल्सो सफरिंग, सो दैट इज वाई ये वाइट पेपर आया है। अब यहाँ जो वर्ड आया ना इंक्लूसिव ग्रोथ, ये भी फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, गवर्नमेंट का, बिकॉज जो गवर्नमेंट्स होती है ना, गवर्नमेंट ग्रोथ हमेशा इक्विटेबल रखना चाहती है, इंक्लूसिव। जैसे आर्टिकल 39B देखते हैं, आर्टिकल 39C देखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि हमें जो भी करना है ना वो मिलजुल के करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है। कमेंट ऑन द चैलेंजेस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, अब आप एक कमेंट लिखो कि चैलेंजेस क्या आते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ में, विच इंक्लूड्स केयरलेस एंड यूजलेस मैन पावर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ओके, केयरलेस एंड यूजलेस मैन पावर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, सभी का ग्रोथ नहीं हुआ है। सजेस्ट मेजर्स टू बी टेकन फॉर फेसिंग दीज चैलेंजेस, ये 2016 का प्रश्न है। तो पहला पार्ट क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, इसके चैलेंजेस क्या हैं। तो पहली एक दो लाइन में आप बता दो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि यू नो द टॉपिक, कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है। फिर आप बताओ चैलेंजेस क्या हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, ये फर्स्ट पार्ट होगा। सेकेंड पार्ट में आप मेजर्स बताओ, सजेस्ट मेजर्स टू बी टेकन फॉर फेसिंग दीज चैलेंजेस। अब जैसे ये प्रश्न कहाँ से आया है, GS3 से आया है ना, तो एक चीज़ और ध्यान रखना है आंसर लिखते वक्त, कि हमेशा देखो वो किस जगह से आया है। अगर यही चीज़ होती ना ये GS1 में आता, GS1 में भी सोशोलॉजी सेक्शन से आता, तो हमारी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती। हम इसमें सोसाइटी से रिलेटेड बातें लिखते हैं, सोशल क्या प्रॉब्लम्स हैं, सामाजिक रूप से ये चीज़ें लिखते हैं। बट ये GS3 से आया है, तो GS3 में मतलब इकोनॉमिक सेक्शन से आया है, तो यहाँ इकोनॉमिक्स को ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। ओके, सो डू दिस क्वेश्चन, द इम्पॉर्टेंस ऑफ द बूस्टर डोज टू प्लान अहेड एग्जीक्यूशन ऑफ सच वैक्सीनेशन कैंपेन। अब यहाँ बात है, जैसे इसराइल बोल रहा है कि एक थर्ड डोज वैक्सीनेशन का भी लगेगा, अभी दो लगे ना, एक थर्ड बूस्टर भी लगेगा। अगेन दीज आर जस्ट थ्योरीज, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ओवर हियर। जब ये फाइनल आ जाएगी बात, तब हम इस पर बात करेंगे। बट अदरवाइज क्या है कि कोविड-19 जो है ना, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, फ्रेंकली स्पीकिंग। सब अपनी अपनी थ्योरीज बताते हैं, वी डोंट नो आगे क्या कोर्स रहेगा, वी डोंट नो। ओडिशाज पार्ट इन इंडियाज हॉकी सक्सेस, दिस इज अबाउट ओडिशा। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी का काफ़ी इंटरेस्ट भी है और आपने इन्वेस्टमेंट भी किया है हॉकी प्लेयर्स में, हॉकी स्पोर्ट्स में, और इसके अब हमें मिले रिच डिविडेंड। सो दैट इज़ वाई जो स्पोर्ट्स होता है ना, इसको प्रॉपर बैकिंग मिलनी चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, तब जाके ये स्पोर्ट्स पर्सन इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो दिस इज अ गुड लेसन। अर्बन जॉब्स सेफ्टी नेट, अपसी। जॉब सेफ्टी क्या होता है कि हमारे यहाँ ना जो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट है वो है अनऑर्गेनाइज्ड है। तो इससे क्या होता है, इनके पास ना तो PPF, EPF ऐसी कोई चीज होती है, पेंशन जैसी चीजें भी नहीं होती, तो जॉब सिक्योरिटी नहीं होता, हायर एंड फायर ज़्यादा चलता है। तो जब भी डिफिकल्टी आती है तो तुरंत जॉब लॉसेज हो जाते हैं, कोविड-19 लॉकडाउन हुआ तो जॉब्स लॉस हो गए। तो दे नीड सर्टेन इंश्योरेंस कि अचानक से जॉब गया तो यू हैव गॉट सर्टेन इंश्योरेंस। रूरल एरिया में जैसे होता है महात्मा गांधी दिस रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, 100 days का पेड एम्प्लॉयमेंट 5 किलोमीटर पेरीफरी में हर एडल्ट मेंबर को नॉन स्किल्ड वर्क करने के लिए दिया जाएगा MG नरेगा में। तो दिस इज अ
इंश्योरेंस कि कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट एमजी नरेगा से इतने पैसे तो आ ही जाएंगे रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में ऐसा कोई सेफ्टी नेट नहीं है, और अर्बन में भी जो वर्कर्स जॉब लॉस होता है तो वो ज़्यादा डिफिकल्टी में आ जाते हैं, बिकॉज एक तो वो अपने घर से बहुत दूर होते हैं, यूजुअली माइग्रेंट वर्कर होते हैं, तो एक जो फैमिली का सेफ्टी नेट होता है वो भी नहीं मिलता। दूसरी बात, शहरों में रहना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई, तो दिस इज़ द क्राइसिस। सो दिस आर्टिकल सजेस्ट कि वी नीड अ जॉब सेफ्टी नेट फॉर अर्बन वर्कर्स एज वेल, अर्बन वर्कर्स एज वेल, वेज एम्प्लॉयमेंट। देन दिस इज हाइएस्ट ऑनर फॉर अ हॉकी आइकन। खेल रत्न अवार्ड अब मेजर ध्यानचंद जी के नाम से है। बात ये उठ रही है कि आपको भारत रत्न भी मिलना चाहिए, जिसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला क्रिकेट के लिए, तो मेजर ध्यानचंद जी ने हमें 3 ओलंपिक के मेडल्स दिलाए, गोल्ड मेडल आए, आपको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। द आर्ग्यूमेंट इज वी शुड ऑनर अवर स्पोर्ट्स आइकन्स। इससे क्या होता है, इन स्पोर्ट्स आइकन्स को देख के एक नई जनरेशन तैयार होती है, उनका भी इंटरेस्ट आता है स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स एज अ करियर, तो दिस इज गुड फॉर स्पोर्ट्स। ये बात है इधर स्पोर्ट्स से ही अगर हम देखें तो बिहाइंड द मेडल्स। अब सी, जैसे एक टाइम है, आज जैसे अफगानिस्तान का क्रिकेटर है, उसने एक बड़ा पेनफुल और सैड मैसेज भेजा है कि अफगानिस्तान में ब्लड बाथ हो रहा है, अफगानिस्तान में सिविल वॉर हो रहा है, एवरीथिंग इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, वी नीड योर हेल्प, ऐसा अभी सॉस मैसेज आया है। अब स्पोर्ट्स, जब भी ऐसी डिफिकल्टी होती है ना तो स्पोर्ट्स पिटने लग जाता है। जैसे पिछले कुछ टाइम से अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम बड़ा अच्छा कर रही थी, स्पोर्ट्स, वैसे भी अफगानिस्तान दे आर वेरी रफ एंड टफ, स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव होता है, स्पोर्ट्स में अब अच्छा कर रही थी, बट अब यहाँ आ गया तालिबान स्पोर्ट्स को अलाउ करेगा भी नहीं, प्लस वो जो मेडिवल टाइम्स के नियम वगैरह आएंगे तो उससे जो प्रोग्रेस एंड ग्रोथ है वो भी डिफिकल्ट, पीछे पुश हो जाएगी, विमेन पार्टिसिपेशन तो यू फॉरगेट अबाउट दैट। सो बिहाइंड द मेडल्स, अब बिहाइंड द मेडल्स में ये एक कोरोलरी ड्रॉ किया है यहाँ पे कि आप देखो कौन सी कंट्रीज टॉप करती है मेडल्स में, US टॉप करती है, बिकॉज US में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, तो अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है तभी तो आप स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट पे अपना ध्यान लगा पाओगे, अदरवाइज इफ़ यू डू नॉट हैव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये चीज़ें फिर सेकेंडरी हो जाती है, ये आर्ग्यूमेंट है। तो अफगानिस्तान में भी अब यही ऐसा होगा, अगर इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस होगा तो जो स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, कल्चर है, ये सारी चीज़ें बैकसीट हो जाएगी। बिहाइंड द मेडल्स, तो आप देखो जो टॉपर्स हैं, मेडल्स जिन्होंने ज़्यादा लिया है, वहाँ डायरेक्ट कोरिलेशन है उनका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में, चाइना इज़ डूइंग वेल, USA इज़ डूइंग वेल, जापान इज़ डूइंग सो वेल, तो दे आर ऑल्सो इन टॉप 3। लोकसभा एडजर्न्ड 2 डेज अहेड ऑफ शेड्यूल, सी 22% प्रोडक्टिविटी, दिस इज ऑल्सो अगेन अ शेम, बिफोर दैट दिस इज लैंड स्लिप, रैकेज ऑफ दिस हेलीकॉप्टर अभी मिल गया है, ये जितने भी हेलीकॉप्टर है ना ये बड़े पुराने हो गए, इनको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है, 40 ईयर्स ओल्ड हेलीकॉप्टर्स अभी हमारी आर्मी रन कर रही है। देन दिस इज जस्टिस रोहिंटन नरिमन रिटायर्स टुडे, जजमेंट सोशल लीगल फैब्रिक, लोकसभा एडजर्न हो गई, अब ये काम ही नहीं करते हैं, एक तो तनख्वाह इनकी इतनी ज़्यादा है, और लोकसभा राज्यसभा मतलब जो सांसद हैं ये खुद ही की सैलरी खुद ही डिसाइड करते हैं कि हम इतना डिजर्व करते हैं, ह्यूज मनी भी है, देन व्हाट दे डोंट डू देयर वर्क, यहाँ पर केवल केओस और नॉइज हुआ तो 22% प्रोडक्टिविटी आया, जो सेशंस होते हैं अभी मॉनसून सेशन चला उसमें काम ही नहीं हुआ, बिना डिस्कशन के सारे बिल्स पास हो गए, सो दिस इज अ डिफीट ऑफ दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट ने यहाँ बिल पास किया, दिस ओबीसी लिस्ट, डिबेट ऑन ओबीसी बिल शोज न्यू अवतार ऑफ दिस मंडल पॉलिटिक्स। हमें एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा इक्विटी गेम है, इक्विटी हमारा ऑब्जेक्टिव है, वीकर सेक्शन का अपलिफ्टमेंट करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेरिटोक्रेसी को दूर कर दें, मेरिटोक्रेसी जो टैलेंट है, जो मेरिट है, उसको सप्रेस नहीं करना चाहिए। ओके, द एम इज टू मेक ब्रांड इंडिया स्ट्रॉन्ग, प्राइम मिनिस्टर ने इधर गवर्नमेंट ने बोला, फिल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स पैनल वैकेंसी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, विद द महात्मा इंटू द मिलेनियल, अब ये जो टॉपिक है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, गांधीयन फिलॉसफी इन 21st सेंचुरी, गांधीयन फिलॉसफी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड क्राइसिस, गांधीयन फिलॉसफी इन द बैकड्रॉप ऑफ IPCC 6th रिपोर्ट, गांधी जी ने बोला था ना नेचर के साथ हमें मिलजुल के रहना है,
Gandhian philosophy during the time of this international crisis, like Afghan war hua ya phir civil turmoil ho raha hai, migrant issues ho raha hai, ye sab cheezon mein Gandhian philosophy ka linkages. Celebrate karne wale hain hum 75 years of independence, so this is important. Gandhi ji bhi favorite hai sare exams mein. A passage through Bengal, aur ye baat hai, these are musical instruments. And this is a love letter to dance, rewind with tea and biscuits. Ye Britannia ek naya, this milk bikis wapas leke aa raha hai, tea is life. Then this is Taliban could take over Kabul. Now see, this is so painful. 90 days ke andar takeover ho sakta hai. Aur isse kya hoga? Isse chaos hoga, bloodbath hoga, civil war hogi, migrant issues aayenge. और ये माइग्रेंट्स फिर कहाँ भाग के जाएंगे? नेबरिंग कंट्रीज में. तो हमारे ये जो पूरा नॉर्थ का ये जो रीजन है बहुत ज़्यादा डीस्टेबलाइज होगा यहाँ पे. बाइडेन टू होस्ट डेमोक्रेसी समिट इन दिसंबर, सेकंड समिट है. इट इज़ टाइम कि यूएसए शुड एक्ट रेस्पॉन्सिबली. श्रीलंका में दिस केस, कनाडा, और दिस इज जर्मनी, चाइना, मिक्सड वैक्सीनेशन चाइना भी ट्राई कर रहा है. गवर्नमेंट कंप्लीट एग्जिट करना चाहती है अर्स्टवाइल दिस पीएसयूज से. गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर रही है. इस पे भी आई शेयर्ड वन पीडीएफ, हैव अ लुक इन टेलीग्राम, कि प्राइवेटाइजेशन के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं और क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए. ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयूज. सेंटर टू सून फ्री अप अनटैप्ड स्पेस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. आईटीसी चेयरमैन है मिस्टर पुरी, पीएनबी है, PWC, GWM, ये है दिस स्पोर्ट्स. कोहली ब्रॉड आउट एंडरसन, डाउटफुल. अगर एंडरसन नहीं खेलेगा तो कोहली को अच्छा लगेगा, बिकॉज कोहली तुरंत आउट हो जाता है एंडरसन की बॉल पे. मेसी ने ज्वाइन कर लिया PSG, आई चैंपियंस लीग ग्लोरी. और ये नीरज फीट इन टॉप 10, एंड दिस इज टेबल टेनिस. सो दिस इज द हिंदू. इंडियन एक्सप्रेस में सी अर्ली एंड टू हाउस, नायडू साहब ब्रेक्स डाउन, बिरला साहब एक्सप्रेसेस एंग्विश. ये बोल्डर्स हटा रहे हैं हाईवे से. फिक्सिंग मिस्टेक्स ऑफ पास्ट, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मूव विल बिल्ड ट्रस्ट. ये लाइन याद रखनी है, ट्रस्ट, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट. FDI इंडिया में लाओ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर करो, इकोनॉमिक रिकवरी जरूरी है. तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन नॉट गुड, हट गया तो इन्वेस्टर्स को रिलीफ मिल रहा है. ये जस्टिस नरिमन है, रिटायर हो रहे हैं. ये मनोज बाजपेयी जी हैं, एक्सेलेंट एक्टर. देन सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस. ये नेक्स्ट न्यूज है. अब जैसे RTOs है ना, आपको लाइसेंस रिन्यूअल कराना है वगैरह, तो ये प्रोसेस भी ऑनलाइन हो तो बेटर है. इससे अननेसेसरी स्ट्रेस भी नहीं आएगा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगी ई गवर्नेंस. ये बाउलीज है, दिल्ली में बाउली कल्चर काफी ज्यादा है. बाउली, बाउली मतलब ऐसा पॉन्ड टाइप होता है जहाँ पे वाटर होता है, आसपास बिल्डिंग्स वगैरह है. जैसे अग्रसेन की बावली थी, जिस PK मूवी में जो दिखाया है. ये हजरत निजामुद्दीन दरगाह की है, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, दिस इज बावली. तो बावली जो है ना, ये हमारे कल्चर में और आर्किटेक्चर में, इन सब में इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है. देन स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस हुआ, ये बड़ा गलत हो गया, ये हमारा प्रॉपर सक्सेस नहीं हुआ. GSLV F10 कल की न्यूज है, लॉन्च बता रहे थे, अभी लॉन्च हो गया, सक्सेस नहीं हुआ ये. दिस इज GSLV F10. इसकी जो क्रायोजेनिक स्टेज थी ना, वहाँ पे जैसा हम सोचा था वैसा हुआ नहीं, कुछ कैलकुलेशंस गड़बड़ हो गए, तो ये कंप्लीट सक्सेस नहीं हुआ. GSLV F10 ऑलरेडी ये काफ़ी डिले हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड. ये नोटेड डाउन, माइक्रो प्लास्टिक्स इन गोवा टैप वाटर. जब भी केस बनाना है ना माइक्रो प्लास्टिक्स के अगेंस्ट, तो ये रेफरेंस यूज कर सकते हैं कि गोवा में टैप वाटर में माइक्रो प्लास्टिक्स मिल रहे हैं. माइक्रोप्लास्टिक्स मतलब प्लास्टिक मटेरियल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए हैं, बट वो टुकड़े डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे और ये आ रहे हैं ह्यूमन फूड चेन में. देन दिस इज एडिटोरियल, इट इज़ टाइम फॉर डीप रिफॉर्म, काउंटिंग इन ड्यू प्रोसेस फॉर ऑल होना चाहिए. देन गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, रेलवे को ट्रैक पे लाए. चाइनाज गाइडिंग एंजाइटीज, हाउ नॉट टू हेल्प डिस्कॉम्स एंड वेन स्टेट इज पैट्रियार्क. यहाँ पे भी यही बात है, स्टेट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट डे टू डे एक्टिविटी चॉइसेस लाइफ ऑफ पीपल सिटीजन में नॉट सजेस्ट नहीं करते हैं, उसके रिजल्ट्स अच्छे आते नहीं है. देन दिस इज तालिबान, ब्राज़ील कांग्रेस, दिस मिलिट्री शो ऑफ फोर्स,
सब जगह डिस्टर्बेंस है, यूएनएससी इज नॉट अ सूटेबल प्लेस, ऐसा चाइना बोलता है, जबकि यूएनएससी इज द बेस्ट प्लेस टू डिस्कस अबाउट दिस साउथ चाइना सी, और जो बीजिंग की बुली करता है बीजिंग, उसको यहाँ डिस्कस करना चाहिए. देन कांट रिटर्न टू पाकिस्तान ऑन डॉक्टर्स एडवाइस. नाउ सी, पाकिस्तान को हम फेल्ड स्टेट क्यों बोलते हैं? फेल्ड स्टेट इसलिए बोलते हैं, आप पाकिस्तान के किसी भी लीडर को देखो, चाहे वो पुराने टाइम के हो या नए, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ को टॉपल किया मुशर्रफ ने, मुशर्रफ को भी देश निकाला हो गया. यहाँ कभी भी ऑनर नहीं होता है. जो भी लीडर बनता है ना, या तो उसका असैसिनेशन होता है या फिर उसे देश छोड़ के भागना पड़ता है. दिस टेल्स द सॉरी स्टेट ऑफ दिस कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान. एक्चुअली रीजन ये है, यहाँ पे एक गवर्नमेंट नहीं होती, यहाँ चार गवर्नमेंट वर्क करती है. पहली गवर्नमेंट जो होती है वो होती है डिप्लोमेटिकली, जो लीडर है जो चुनाव जीत के आया है. दूसरी गवर्नमेंट होती है यहाँ पे रिलीजन की. तीसरी गवर्नमेंट होती है यहाँ पे दिस मिलिट्री की, बिकॉज यहाँ की मिलिट्री इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मिलिट्री. और जो फोर्थ गवर्नमेंट चलती है वो इंटरनेशनल प्लेयर की, जैसे कभी सऊदी, कभी यूएसए, कभी चाइना. तो दैट इज वाई कभी भी यहाँ पे कंसेंसस नहीं बनता है, सब अलग डायरेक्शन में मूव होते हैं और पाकिस्तान एज अ स्टेट फेल हो जाता है. म्यांमार वैक्सीनेशन रोल आउट लीव्स रोहिंग्या वेटिंग. प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट सी नॉट गुड, प्रोडक्टिविटी इज वेरी पुअर. ये लॉन्च हुआ EOS 3 का, कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा मोर FTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट चाहिए टू शट आउट ऑफ ग्लोबल मार्केट, अदरवाइज हम शट आउट हो जाएंगे. इकोनॉमी को अभी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हो रहा है. RBI मॉनिटर कर रही है स्पिल ओवर फ्रॉम ऑफ शोर टू डोमेस्टिक मार्केट. शोर मतलब तट होता है, समुद्र का तट. ऑफ शोर मतलब बाहर से कुछ हो रहा है, ऑफ शोर. ऑन शोर मतलब यहाँ पे आ रहा है, ओके. आउटसोर्स कर रहे हैं हम, तो दिस इज ऑफ शोर. ऑफ शोर आएगा हमारे डोमेस्टिक मार्केट में. देन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये एंडरसन है. बॉल को ना ये वॉबल बॉल करता है, वॉबल बॉल ग्रिप, और स्विंग बहुत अच्छी कराता है एंडरसन. कोहली इसका बनी है. Then this is Sachin. अब सचिन ने भी यहाँ पे बताया कि यू हैव टू समटाइम्स हैव टू डील विद योर बॉडी, यू हैव टू कम विद टर्म्स. जैसे सचिन के साथ प्रॉब्लम क्या आती, जब भी मैच हो रहा है, इंपॉर्टेंट मैच है, उसको नींद नहीं आती एक दिन पहले. मेनी ऑफ अस फेस दिस प्रॉब्लम, एग्जाम है एंड उसके बाद नींद चली गई, तो यू हैव टू डील विद इट. यू डू नॉट हैव टू फाइट विद योर बॉडी, यू हैव टू कम एट दिस पीस. सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस. अब हम हिंदी में क्विकली देखते हैं, हिंदी का टॉपिक है शेर, क्योंकि अभी 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस का आयोजन किया गया था. शेर मतलब होता है लायन, बाघ मतलब होता है टाइगर, ओके, कंफ्यूज नहीं करना है. तो अभी क्या था, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस हुआ था, जागरूकता बढ़ाना है. शेर को देखें तो IUCN रेड लिस्ट में संवेदनशील में है. एशियाई शेर वैसे भी संकटग्रस्त है. साइट्स में ये शेड्यूल वन में आता है, परिशिष्ट वन में आता है. सभी आबादी परिशिष्ट टू, भारतीय आबादी के लिए परिशिष्ट वन और बाकी जगह परिशिष्ट टू. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 फेवरेट है, इसके भी शेड्यूल वन में. तो जब भी टाइगर, लायन ऐसे कुछ लिखना है ना, आप उसका कंजर्वेशन स्टेटस भी तुरंत लिख दो कि IUCN में किस में, साइट्स में किस में, और दिस 1972 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट की किस शेड्यूल में. प्रोजेक्ट लायन आया था, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था, प्रोजेक्ट टाइगर था. इसमें क्या है, एक कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में, वहां से ट्रांसलोकेशन करना है लायंस का गिर से कूनो पालपुर में, बिकॉज एक ही जगह में सारे शेर को रखना रिस्की है. ये शुरुआत हुआ था, एशियाई लैंडस्केप भी इसमें मौजूद है. हैबिटेट इनका बढ़ाए, जो इनका प्रे बेस है उसको बढ़ाए लायन पॉपुलेशन के लिए. अब लायन अगेन एपेक्स एनिमल है, महत्वपूर्ण स्थान है. इससे क्या होता है, एक लायन होता है ना, उससे इकोलॉजिकल बैलेंस बना होता है पूरे फॉरेस्ट का. लायन को खतरा क्या होता है, एक तो इनब्रीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे लायंस में, और इनसे इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती नहीं है, और कैनाइन डिस्टेम्पर एक वायरस भी यहाँ पे आ गया था, प्लेग और इस टाइप से. तो इनकी पॉपुलेशन जो गिर के लायंस हैं, दे आर एट अंडर थ्रेट. बट जब हमने सेंसस कराया, ये लास्ट ईयर की न्यूज़ है, जून जुलाई में ये सेंसस हुआ था, तो यहाँ हमने ये सेंसस में देखा था लायन की पॉपुलेशन बढ़ी है. 90 में केवल 284 लायंस बचे थे, 2020 में 674 नंबर आए हैं गिर एशियाटिक लायन के, विच इज़ गुड थिंग. प्राइम मिनिस्टर ने भी इसे बताया था, दिस जंप इज रियली गुड. तो गुजरात जो है ना, ये प्राइड है एशियाटिक लायंस का. 2015 से 29% राइज हुआ,
प्रोटेक्टेड एरिया है, लैंडस्केप्स ऑफ सौराष्ट्र यहाँ पे आते हैं, पेस्टोरल चरवाहे, 9 जिलों में ये फैला हुआ है 30,000 स्क्वायर किलोमीटर में। तो पॉजिटिव ट्रेंड क्या मिला, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लाइक जो गुजरात के यहाँ के जो लोकल्स हैं ना वो लायन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, तो वो लायन कंजर्वेशन में सब एक्टिवली काम करते हैं। तो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट कि जब भी वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करना है जो वहाँ के लोकल्स हैं उनमें भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आना चाहिए, उनके कोऑपरेशन पार्टिसिपेशन के बिना आप काम नहीं कर पाते हो। टेक्नोलॉजी यूज हुआ, हैबिटेट मैनेजमेंट हुआ, ह्यूमन लायन कॉन्फ्लिक्ट कम किया, प्रे बेस बढ़ाया, वैक्सीनेशन भी दिया कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के लिए, तो इससे गिर लायन एशियाटिक लायन के नंबर बढ़े। अब ये तीन हैं बेसिकली, ये सब स्पीशीज बोल सकते हैं लायंस के। एक तो होते हैं बारबरी लायंस, दे आर वेरी फियर्स, ये साउथ ईस्ट अफ्रीकन लायंस हैं, ये यूजुअली हम मूवीज में देखते हैं सिम्बा वगैरह, दीज आर अफ्रीकन लायंस, और ये इंडिया के हैं एशियाटिक लायंस। तो जैसे एलिफेंट वगैरह है ना, एशियाटिक एलिफेंट, इंडियन और अफ्रीकन एलिफेंट, ऐसे ही लायंस के भी ये सब स्पीशीज हैं। तो दिस इज शेर दिवस, विश्व शेर दिवस। अब ये जो सवाल होते हैं ना, ये दिखते बड़े ईजी हैं बट इसमें कैलकुलेशन एरर अक्सर हो जाता है, तो बड़े प्रेजेंस ऑफ माइंड से इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ फॉर्मूला दिया था, ए एस्ट्रिक बी इज दिस, तो 3:5 में ये वैल्यू पुट करो ए और बी की, फिर 5:3 में ये पुट करो, सॉल्व इट, यू विल गेट 22। यहाँ कैपेसिटी एक बकेट की एक्स है, तो 25 बकेट लग रही है तो टैंक की कैपेसिटी 25x हो गई, बट नए कैपेसिटी की बकेट आई 2/5x की, बट टैंक तो उतना ही है, तो अब कितनी बकेट लगेगी, फुल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय 2/5, दैट इज 62.5 बकेट्स लगेगी उसको फिल करने के लिए। थर्ड भी इजी है, कैपेसिटी अगर एक्स है, कुछ 2/5 पहले फिल हुआ, 16 लीटर पानी उसमें ऐड किया तो 6/7 फुल हो गया, मतलब 6/7 अभी फुल हुआ है, पहले 2/5 था और वो हुआ बिकॉज ऑफ 16 लीटर पानी ऐड करने से। तो टैंक अगर एक्स है तो 6x/7 माइनस 2x/5 इज इक्वल टू 16, तो सॉल्व इट, एक्स इज इक्वल टू 35। ये आज के सवाल है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, वन हैविंग इट्स डायगोनल डबल देन दी अदर इज, टेल क्या होगा। रेशियो बिटवीन द पैरामीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इतना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना है, वॉट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, सॉल्व। देन डायमीटर ऑफ द ड्राइविंग व्हील, ये चक्का है बस का, डायमीटर इसका 140 है, डायमीटर मतलब दिस 140। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस पर मिनट वुड द व्हील मेक इन ऑर्डर टू कीप अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, कुछ नहीं, इसका पैरामीटर निकालिए, ये डिस्टेंस आएगा, यू विल गेट द आंसर। ओके, सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे, सी सेट सॉल्यूशंस हैं, दिस इज लाइन, ये आज फेल हो गया हमारा मिशन, प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट, मेसी PSUs, एंड दिस इज द क्वेश्चन, इंक्लूसिव ग्रोथ पे सवाल तैयार करिए, और ये तैयार करिए डिजास्टर मैनेजमेंट पे। ओके, सो दिस इज 12th of August 2021, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।